नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। कहते हैं कि सैया भैल कोतवाल तो अब डर कहेगा, या जब कोतवाल खुद ही हैं तो तब तो डर और नहीं होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन साहब की हत्या के बारे में। ये अर्जुन साहब की हत्या पिछले महीने 13 अप्रैल को हुई थी। उसके बाद स्थानीय लोग और परिजनों ने सड़क जाम किया था। सड़क जाम करने के बाद SP कुमार गौरव के द्वारा आरोपी पुलिसकर्मियों को घटनास्थल से ही या जामस्थल से ही निलंबित कर दिया गया था, और आज वही भरोसा दिलाया गया था कि 2 दिन के अंदर इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि आम पब्लिक अगर किसी से भी तरह का कोई जुर्म करता है तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होती है ताकि वो साक्ष्य नहीं मिटा सके। लेकिन पुलिस की गिरफ्तारी अभी तक न होना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। हमारे साथ हैं वीरेंद्र साहब, जो अर्जुन साहब के बड़े पुत्र हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या हुई अभी तक और कैसे क्या हुआ था आपके साथ पूरा, और कहाँ कहाँ आप गए? हम गए हजारीबाग में कागज दिए, दिल्ली में कागज दिए, रांची में कागज दिए। कोडरमा के SP गौरव साहब बोले थे घटनास्थल पर आके कि 2 दिन का टाइम देता, 2 दिन के अंदर ही सबकी गिरफ्तारी करेंगे और आपका जो मुआवजा सो मिलेगा और एक सरकारी नौकरी जो बोले सो मिलेगा। आपके यहाँ पे बहुत सारे नेता लोग भी आए थे, आपके पास जाम स्थल पे अन्नपूर्णा देवी भी आए थे, क्या लगा था उससे? उस अन्नपूर्णा देवी भी आश्वासन दिए थे कि बोल 24 घंटा के साथ जो दोषी है उसको सबको अरेस्ट किया मैंने होगा, और अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। 26 दिन बीत गया है, दो दिन का आश्वासन दिया था, 26 दिन हो गया अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। हम लोग का भी डर बना रहता है, मेरा पापा को भी चौक से उठा के मार सकता है उसा, तो हम लोग के जंगल में आना जाना रहता है, रास्ता जंगल का है, हम लोग को तो कहीं भी उठा के मार देगा ऐसा। के 26 दिन हो गया अभी तक साथ छुपाने के लिए, ऐसा के मैंने खुला छोड़ दिया SP सर, अभी तक अरेस्ट नहीं कर रहा। अब आपको पता चला कि CID जांच भी इसमें चल रहा है, किसने कहा था आपको? आवेदन दिए तो मालूम चला है, 2 दिन के बाद मालूम चला, मैंने पिछले टाइम में मालूम चला है कि CID जांच होने वाला है, लेकिन CID जांच अभी तो 4-5 दिन तो हो गया सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको भी आने आया नहीं आया, हम लोग को मालूम नहीं है। आपने सुना वीरेंद्र यादव साहब का क्या कहना है? वीरेंद्र साहब का कहना है कि अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग 15 किलोमीटर जंगल पार करके बाजार की ओर जाते हैं, इस बीच कहीं हमारे साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए, और साथ छिपाने के लिए ऐसा किया भी जा सकता है, ऐसा इनका डर बना हुआ है। हम आपको सुनवाएंगे कि यहाँ जो भी नेता आए थे और किस समय किन्होंने क्या किसने क्या कहा था, एक एक करके हम सारा वीडियो आपको सुनवाएंगे। और कम से कम इनके परिवार को के आश्रितों को 25 लाख रुपया के मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि घटना इतना बड़ा और पुलिस की है, पुलिस की घटना का मतलब सरकार की ओर से ये घटना को अंजाम दिया गया। हम निश्चित रूप से यहाँ के जाने के बाद अब राज्य सरकार से इस विषय पर हम बात करेंगे, आपके द्वारा सबसे हम जाएंगे पार्टी से बात करके जितना भी हो सकता है अधिक से अधिक परिवार को सहयोग करना। पंचायत में थोड़ा सा आम नागरिक लोगों ने एक ढेला चला दिया, 100 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, महिला पुलिस सबको पिटा गया, और आज पुलिस जब हत्या कर दिए तो आज यहाँ के SP चुप्पी साधे हुए हैं, उन दरोगा का गिरफ्तारी नहीं हो रहा है, इसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो क्या पुलिस और आम नागरिक के लिए अलग अलग कानून है? यदि पुलिस हत्या करती है तो उसकी भी गिरफ्तारी हो, आम पब्लिक यदि कानून को हाथ में लेता है तो उसकी भी गिरफ्तारी होती है, तो ये दोहरी नीति इस देश में नहीं चलने दिया जाएगा इस जिला में। साहब की इसमें पूरी तरीके से पुलिस इन्वॉल्व है, और इसीलिए हमारी स्पष्ट मांग है, आज जो है भाकपा माले के द्वारा जो है राजकुमार यादव, कॉमरेड राजेंद्र मेहता जी, कॉमरेड इब्राहिम अंसारी और हमारे साथ एक टीम आई थी, हम लोग परिवारों से भी मिला, घटना के चश्मदीद से मिला, और इसलिए स्पष्ट हमारी मांग है कि जो अर्जुन साव हैं मृतक हैं उनके पुत्र के सूचना पे जो है वो पुलिसकर्मियों पे FIR दर्ज किया जाए, हत्या का मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, पीड़ित परिवार को जो है वो मुआवजा मिले, नौकरी मिले, और इस पूरे घटना के विरोध में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले भी देखे त्योहारों को उन्माद में लोग बदल रहे हैं, पूरी चीज़ें हो रही, वहाँ तो पुलिस चुपचाप रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन 3 बजे रात भी जो उनको इतनी फुर्सत है कि वो यहाँ आ करके जो है वो पुलिसिया डंडा बरसाए और लोगों की जो है वो जान लेती है, तो उस पर पूरी कार्रवाई हो। मैंने कोर्ट निर्णय करेगी, लेकिन जो मृत्यु दंड होता है ना बिल्कुल ऐसे लोगों को देना चाहिए, एक तरह से देखें तो सीधा जो सामने दिख रहा है कि ये हत्या है। कई थाना, उसमें एक डोमचांच थाना है जिसका कि लगातार शिकायतें लोग बार बार हर जगह शिकायत करते थे कि एक एक पुलिसकर्मी जो वहाँ है लगातार ये वसूली में
दोहन शोषण में लगे रहते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो वरीय अधिकारियों से बात हुआ मैडम, क्या बोलूं? वरीय अधिकारी से पूरी बात हुई, एसपी को इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया, वहाँ जो वर्षों से जमे हैं उनको हटाना है, जांच भी करनी है और निष्पक्ष जांच, उच्च स्तरीय जांच की मांग हम लोगों ने किया। बोले निष्पक्ष जांच होगी और जो भी अधिकारी है बिल्कुल कोई बचेंगे नहीं, इस घटना में संलिप्त जितने भी लोग होंगे उस पर कड़ी से। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी जाम स्थल पर पहुंची थी, उनके सामने ही कुमार गौरव ने दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी कई नेता ऐसे थे जैसे धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव और बगोदर विधायक विनोद सिंह, इनके घर में पहुंचे थे, उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नेता लोग भी जो है वो राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। लाइव लगातार के लिए संध्या दल साथ मैरून बरवाल कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।